हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, ये जो है इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे जो है दिन में, मतलब एक दिन पहले के ये जो है कपड़े धुले हुए थे, तो मैं उसको छत पे से लेके आई थी और यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करके रख रही हूँ। और आज के जो कपड़े हैं आज मैंने वो वॉश नहीं किया, अभी मैं करूँगी इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि थोड़ा थोड़ा, मतलब ठंड के मारे भी काम करने का दिल नहीं करता है। और शाम को थोड़ी सी कम ठंड पड़ती है, तो मैंने सोचा चलो मैं शाम को ही मशीन लगा दूँ। कपड़े बहुत सारे हैं धुलने के लिए और धूप नहीं निकलते हैं तो इतनी जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं है। तो एक दिन ये पहले के हैं कपड़े जो कि मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, और आज का जो भी कपड़े हैं और मैं भी जो है शाम को धोऊंगी। इवनिंग का ही टाइम है ये, मतलब आई थिंक 5 बज रहे थे। और उसके बाद जो मैं करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि मैंने अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं किया है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि पूछो ही मत। तो मैंने सोचा चलो मैं कर ही लेती हूँ, और शाम को इतना काम नहीं रहता है, मॉर्निंग के टाइम पर तो इतना ज़्यादा काम रहता है कि फिर ना काम करते करते ही थक जाते हैं। तो ये शाम का टाइम है और उसके बाद चलो मैं कपड़े फोल्ड करके उसके बाद मैं चलूँगी मशीन में कपड़े डालने के लिए। और ये देखो, ये ना दोपहर का क्लिप था और यहाँ पे जो है छज्जी, जो है हमारे छत के छज्जी जो है उस पर ना दो कबूतर जो है घूम रहे थे और मस्ती कर रहे थे यहीं पर, मतलब आके कबूतर बैठते रहते हैं, देख भी रहे हो कि कितना गंदा कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लिया है और अब मैं चल रही हूँ मशीन में कपड़े डालने के लिए। और एक बार तो मैंने डाल के घुमा भी दिया है कपड़े, और जो है आधे कपड़े रखे हुए हैं, क्या बोल रही हूँ। और मैं अभी बाहर का जो है वेदर, मतलब इवनिंग का टाइम है तो बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये देखो कितने शाम हो गए, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो मैं धुल के जो है छत पे जो है ऊपर कमरे में डाल दूंगी सारे कपड़े, तो सुबह धूप निकलेगी तो मैं सुबह धूप में डाल दूंगी। और आप देख रहे हो कि इवनिंग का टाइम है, अंधेरा भी है बाहर, और मेरा जितना अभी शाम का जो है काम नहीं है इतना ज़्यादा होता है, बट हाँ आज काम हो गया था क्योंकि मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे, झाड़ू पोछा भी नहीं करा था। और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने मतलब मशीन में जो कपड़े थे उसको मैं निकाल दूंगी, और जो नीचे कपड़े रखे हुए उसको मैं दोबारा डाल दूंगी। और उसके बाद चलूंगी मैं खाना बनाने के लिए, मशीन में कपड़े डाल देती हूँ एक बार, ये घूमते रहेंगे जब तक मैं खाना भी बना लूंगी। और उसके बाद जो है फिर, मतलब जब तक खाना बनते बनते जो ये कपड़े हो जाएंगे तो उसके बाद जो मैं आगे कपड़े धुल लूँगी बाद में आराम से। तो यहाँ पे चल रही हूँ मैं नीचे, मैंने यहाँ पे देखो कपड़े डाल दिए हैं, और जब तक ये घूमते रहेंगे जब तक मैं नीचे चल के खाना बना लूँगी। खाना आज बस मैं सिंपल सा खाना बनाऊँगी शाम का, मतलब दोपहर में मैंने बनाए थे चावल, तो चावल रखे हुए मेरे लिए और मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए जो है मैं बना दूँगी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। और ये देखो, मतलब बाथरूम में जो पीला पीला दिख रहा होगा ना आपको, ये मत समझना कि ये गंदा है, ये ना मतलब टोटी चूता है ना, तो हल्का हल्का मतलब पानी उसे टपकता है, तो उसी की वजह से जो है पीलापन हो गया है। और मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, और उसके बाद जो है मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना चने भिगो के रखे हुए थे, तो यहाँ पे जो है चने भी मतलब फूल गए थे, तो मैं इसको जो है टोकरी में छान के रख दूँगी अच्छी तरीके से वॉश करके। और इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में गोभी डाल दी है मैंने, तो ये गोभी जो है हल्का सा मैं बॉईल कर रही हूँ। आलू मेरे जो है बॉईल हो चुके हैं, और उसके बाद जो है मैं मतलब गोभी बॉईल हो चुके हैं हल्का सा, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। वैसे तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी को ना बहुत बार रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, बट मैं थोड़ी सी क्लिप में आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे गोभी बॉईल हो चुके हैं, और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही, जब तक मैं इधर प्याज को जो है चॉप कर लूँगी।
यहाँ पे जो है मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है और उसमें मैं डाल दूंगी तेल, और तेल जैसे ही गरम होगा उसके बाद मैं इसमें गोभी को जो हल्का सा फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पे जो है गोभी मैं प्लेट में निकाल रही हूँ क्योंकि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से निकल गया है, सॉरी टोकरी में डाल दिया था इसका पानी जो है निकल गया। और उसके बाद जैसे ही मेरे तेल गरम हुए इसमें मैं गोभी डाल के और हल्का सा फ्राई कर लूँगी इसको गोल्डन ब्राउन, ताकि इससे ना बहुत अच्छी टेस्ट आती है सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है गोभी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। और उसके बाद जो है जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें आलू डाल के भी जो हल्का सा जो है आलू को भी मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा क्रंची करूँगी क्योंकि इस तरीके से अगर सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर जो है मैंने गोभी निकाल लिया, और मेरी गोभी बहुत थोड़ी कम दिख रही होंगी क्योंकि नाइट का टाइम है और यहाँ पर बस 3 ही जने की सब्ज़ी बनानी है, तो ज़्यादा गोभी की ज़रूरत नहीं, इतने से आलू हैं और मैं मटर डाल दूँगी और मसाले वगैरह पड़ते हैं, 3 दिनों की सब्ज़ी आराम से बन जाएगी क्योंकि नाइट में ही खाना है बस। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है आलू, इसी में तेल बच गया तो इसी में आलू डाल दूँगी और इसको भी हल्का सा फ्राई करूँगी। जब तक फ्राई हो रहा है जब तक मैं यहाँ पे अपने मसाले पीस लूँगी सिलबट्टे पे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन छील के रख लिया, उसके बाद जो इसमें मैं जीरा डाल दूँगी और काली मिर्च डाल दूँगी और अदरक, इतना ही से इतने मसाले डालूँगी। वैसे तो मैं गरम मसाला घर में पीस के रखती हूँ तो वो मसाले रखे हुए हैं, बस इतना सा मसाला हल्का सा थोड़ी सी पीस लूँगी जब तक मेरे यहाँ पे जो है आलू फ्राई हो रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, जब तक यहाँ पे मसाले हैं सिलबट्टे पीस लेती हूँ। और वैसे मैं मिक्सी में जब बहुत कम मसाला पीसती हूँ, वैसे सिलबट्टे पे ही पीस के बनाती हूँ मैं। मिक्सी में जैसे छोले वगैरह बनाओ पनीर वगैरह बनाओ तो उसमें मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, वैसे तो मैं सिलबट्टे में ही पीसती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है अगर इस पर मसाला पीस के डालो तो। बस यहाँ पर मसाला फटाफट पीस लेती हूँ, और बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर जो है बाहर किसी का काम हो रहा है तो शायद बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी। तो बस यहाँ पे जो है मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं और मैं यहाँ पे साथ ही साथ मसालों को भी देखते जा रही हूँ। तो चलो मैं आलू निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, वैसे प्याज वगैरह डाल के जैसे तेल जीरा डाल के, और उसके बाद प्याज वगैरह भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने के बाद। इसमें थोड़ी सी मैं ऑयल डाल दूँगी क्योंकि ऑयल जो है कम हो चुका है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ों को डाल के उसके बाद यहाँ पर मैंने मसालों को फ्राई कर लिया है, और उसके बाद जो है मेरे भून लिया है, और ये देखो मसाले के जो है किनारे से ऑयल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मेरे मसाले भुन चुके हैं और उसमें मैंने डाल दिया है गोभी और मटर, ऊपर से मैं आलू डाल दूँगी और इसको भी काफ़ी देर तक भूनना है, 2-3 मिनट के अराउंड जो है इसको भूनना है ताकि हमारी सब्ज़ी भी जो है अच्छी तरीके से भून जाए। उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी और जितनी भी ग्रेवी रखनी हो आपको उतने रख लेना। और उसके बाद जो यहाँ पर मैं जब तक मैं गोभी को सब्ज़ी को फ्राई कर रही हूँ जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ यहाँ पर फटाफट से। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगाने के लिए आ गई हूँ यहीं पर, और यहीं पे मैं अपनी सब्ज़ी को भी देखती जाऊंगी। वैसे तो मैंने पानी शायद डाल दिया है, और यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ी को भी देखती जाऊंगी, फटाफट से आटा भी गूंथती जाऊंगी, उसके बाद जो है मैं रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे जितने भी काम होते हैं मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि इतना काम जितना रहता नहीं, बस रोटी सब्ज़ी बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखो मेरी जो है सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी, और मैंने कम ग्रेवी रखी है, और उसके बाद मेरी यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है। तो चलो फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ, अभी तो बस मैं हस्बैंड को भूख लगी तो बस उनको ही दूँगी खाना, और उसके बाद जैसे ही मम्मी वगैरह खाएंगे मैं और मम्मी जैसे ही खाएंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सब्जी रोटी बना लूँगी, और अभी तो बस हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ रोटी। यहाँ पे जो है मैंने हलवा को जो है साइड में देखा होगा आप लोगों ने, हलवा मैंने गरम कर लिया, गाजर का हलवा मैंने बनाया हुआ था तो वो रखे हुए थे। तो बस मैं यहाँ पे जो है हलवा भी मैंने गरम कर दिया, साथ ही साथ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बस 2 से 3 रोटी बनानी थी, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी क्योंकि जैसे जैसे हम लोग खाएंगे वैसे वैसे गरम गरम सेक लूँगी क्योंकि ठंडियों में तो गरम गरम ही रोटी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड की खाना बना दिया है मैंने, उनको जाके दे आती हूँ, फिर उसके बाद जो मैं अपने कपड़े धो लूँगी, फिर उसके बाद जो है किचन का काम निपटाऊँगी क्योंकि आज ही के दिन
ऐसा हुआ कि इतना सारा मुझे नाइट में, मतलब इवनिंग से लेकर नाइट में इतना काम पड़ गया। वैसे तो नहीं पड़ता है क्योंकि झाड़ू पोछा भी किया और कपड़े भी धुलने के लिए थे। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है, चलो मैं दिखाती हूँ खाना कि क्या क्या बना है। तो बस आप लोग के साथ ही मैंने जो भी बनाया आप लोग के साथ ही बनाया है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है और सब्जी और गाजर का हलवा, आ जाओ आप लोग भी खा लो। तो चलो मिलते अपने नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट डे मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, बोल रही थी मैं सॉरी। तो यहाँ पर जो है अगले दिन, जो है अगले दिन की क्लिप है और मैं आई हुई थी मार्केट मम्मी के साथ एंड आंटी के साथ, मतलब आंटी को कुछ मतलब काम था तो उन्हीं के साथ आ गई थी मैं। तो मम्मी ने बोला चलो तुम भी घूम जाओ क्योंकि घर में क्या करोगी बैठे बैठे। तो बस मैं मम्मी के साथ आ गई थी और आंटी को भी सामान लेना था, बस वही आंटी ले रही थी। हमने मतलब हमारा इतना सामान था हमने ले लिया था, बस आंटी का रह गया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। वैसे तो कुछ खास नहीं था, एवरीडे का रूटीन यही होता है। तो बस मैंने अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया, इवनिंग नाइट रूटीन। और आप लोगों का कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आप लोगों ने इस ब्लॉग को फुल देखा होगा, फुल वॉच किया होगा।